यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पाठक जी, चंद्रयान तीन की सफल लैंडिंग के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? मैं भी अपने आराध्य भगवान बजरंगबली से प्रार्थना करता हूं कि हमारा चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड करे और देश के वैज्ञानिकों को सफलता का एक नया आयाम छूने का अवसर प्रदान करे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से के साथ प्रगति कर रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान में हमने विकसित राष्ट्रों से भी बेहतर काम करके दुनिया को दिखाया है। मैं सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और प्रदेश की और देश की जनता का बहुत बहुत बधाई ऐसे अवसर पर कि अद्भुत सफलता भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष विज्ञान में हासिल की है। चंद्रमा पर सब मंगल मंगल हो। अच्छा, इससे अलग एक सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कल अपने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में गए थे जहां पर उन पर जूता फेंका गया। ये कहना था कि कुछ लोग उनके जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान दिए गए थे उसको लेकर के प्रतिक्रिया की। राजनीति में इस प्रकार के कृत्य को हम बिल्कुल जायज़ नहीं मानते। हम इसका मतलब दुखद घटना मानते हैं और ऐसे कृत्यों का राजनीति में कोई स्थान नहीं है, लोकतंत्र में कोई इसका मतलब नहीं। दारा सिंह चौहान पर भी सही फेंकी। मैं इसको दुखद मानता हूँ, बहुत ही हर परिस्थिति में इन बातों को मैं उचित नहीं ठहरा सकता और इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बात कहने का हक है, लेकिन लोकतंत्र में दूसरे तरीके भी हैं। आपने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान में भी देश बहुत तरक्की कर रहा है, यूपी के डीजीपी भी चंद्रमा की कलाओं को लेकर के अब क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है ये प्रयोग सफल होगा? अब दरअसल चंद्रमा को लेकर क्या कहा ये तो मैंने नई पत्रावली नहीं देखी है, लेकिन सामान्यतः गांव में ऐसा होता है कि जब रात अंधेरी होती है तो क्राइम अधिक होता है, उस सब्जेक्ट पे होगा मुझे विशेष जानकारी। बात उन्होंने कही तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं जिनका कहना है कि चंद्रयान की सफलता के लिए पूरा देश उत्साहित है, पूरा देश कामना कर रहा है और वो भी अपने आराध्य और इष्ट देव से कामना करते हैं कि चंद्रयान की सफल लैंडिंग चंद्रमा पर हो। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़ लखनऊ।